हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ग्रुप 9th to 12th चैनल में। आज मैं आपके लिए ये हिंदी और इंग्लिश का अरिहंत के सिलेशन का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये मुझे 140 में मिली है दोनों बुक। इसके पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बुक खरीदा था, उसकी भी अनबॉक्सिंग किया हूँ। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसे लगेगी लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा। गाइज, अगर आप इस बुक का और या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक का अगर आप PDF में पर चैप्टर वाइज चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज बनाऊंगा। तो गाइज, चलिए मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। गाइज, फाइनली हमारी बुक मैंने खोल लिया है। बुक के साथ हमको ये रसीद मिली है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा टोटल 161 है, ये देखिए 161, जिसमें हमारा 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगा हुआ है। ये देखिए 20 रुपीज़ एक बुक का और 20 रुपीज़ एक बुक का। ये देखिए 20 रुपीज़ है। टोटल हमको 161 रुपये पे करने पड़े हैं। अगर वैसे पर इसके पीछे के रेट से अगर हम मिलाएंगे तो 95 रुपीज़ का है, 60 रुपीज़ का है, तुम्हारा वैसे पर भी 161 ही पड़ेगा। गाइज, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज मेरा जुड़ गया है, हो सकता है आपका डिलीवरी चार्ज ना जुटे। गाइज, ये मेरी दो बुक है, हिंदी और हिंदी केंद्रित क्लास 11th की और इंग्लिश कोर क्लास 11th की बुक है। इसमें आपको NCERT सॉल्यूशन मिल जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। देखा जाए तो इतनी मोटी नहीं है क्योंकि इंग्लिश की पूरी पतली रहती है। तो चलिए इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए गाइज, ये मेरा हॉर्नबिल और स्नैपशॉट की है। हॉर्नबिल का ये रहा, सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट का ये रहा। आपको सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर भी दे देगा कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। ये देखिए ग्रामर कौन कौन सा आएगा ये भी दिया हुआ है इसमें। इसके बाद हमारा प्रोज स्टार्ट होता है। प्रोज में फर्स्ट चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका हमको स्टोरी, इसका समरी भी दिया हुआ है। गाइस, जिसको हम समरी कहते हैं वही समरी दिया हुआ है। और जो एग्जाम क्वेश्चन दिए रहते हैं वो भी सोल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए बुक में जो क्वेश्चन दिए वो भी पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। वर्किंग विथ वर्ड्स भी काफ़ी अच्छी थिंग्स टू, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और साथ ही समरी दिया हुआ है हर एक चैप्टर का दिया हुआ है। गाइज, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें टोटल 104 पेजेस हैं। ये देखिए 104 पेजेस। और गाइज, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF बना के बता दूंगा। तो गाइज, ये NCERT सॉल्यूशन इंग्लिश कोर की बुक हमको तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रश्न उत्तर की। गाइज, मैं हिंदी में हमेशा टॉप करता था, इसलिए मैं हिंदी की बुक अक्सर लेता हूँ। जो भी लेता हूँ तो हिंदी की ज़रूर गाइड लेता हूँ, अगर सब के लिए हो तो। अभी मैं हिंदी की खोलता हूँ। मैम, हमको भी नहीं मालूम बुक कैसी है, मैं आपके सामने देख रहा हूँ। गाइज, ये देखिए जो हमारा आरोह विधान है उसी बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें। ये हमारा इसका इंडेक्स देख लीजिए आप, काव्यखंड। कोई ऐसा चैप्टर जो ना दिया हो तो हमको कमेंट बता दीजिएगा। इसमें भी सिलेबस जिसको हम कहते हो भी दिया हुआ कक्षा 11th का। ये देखिए नमक का दरोगा, इसका पहले हमको सारांश दिया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। गाइज, ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसको खरीदना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। पाठ के आसपास इसका हर एक चीज़ का सोल्यूशन दिया हुआ है, भाषा की बात में। और बुक में क्या रहता है ना कि बुक मोटी रहती है, महंगी भी रहती है, सोल्यूशन के लिए हम लेते हैं, लेकिन सिर्फ हमको 60 रुपये में मिली है क्योंकि 95 इसका लिखा है। आपको 140 रुपये में आराम मिल जाएगी, नहीं 120 रुपीज़ में गाइज, क्योंकि 120-160 रुपये में हमको मिली है। गाइज, 120 रुपीज़ में आपको बुक मिल जाएगी अगर डिलीवरी चार्ज नहीं लगी तो। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। गाइज, अगर आप इसका PDF में चाहते हैं इसको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए PDF वाली वीडियो बनाऊंगा। गाइज, ये कहीं से भी पुरानी बुक नहीं लग रही है, नई बुक है, अरिहंत प्रकाशन की है बुक और काफ़ी अच्छी बुक लगी। हम आपको कैसे बुक लगी वो हमको कमेंट कर बताइएगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।